देश में भले कोरोना के मामला कम हो चुके हों, किंतु जेका जेका कोरोना हो चुका है वो बेहद दिक्कत और मुश्किलात के सामना कर रहे हैं। हालात यह है कि या जो रिपोर्ट हम दिखाऊँ वैसे अपना की होश उड़ गई। हालात यह है कि मध्य प्रदेश में 2987 लोगन का जो है पोस्ट कोविड क्लिनिक में उनका जब जांच की गए तब बेहद चौंकावे वाले परिणाम आए। विंध्य क्षेत्र के यह पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के कि कोविड अस्पताल अरविंदो में अब तक जो है 9000 से ज़्यादा कोरोना मरीजन के इलाज किया जा चुका है। एम से 2987 मरीज ऐसा है जिनका सांस ले में परेशानी, थकान, नींद, नाव, त्वचा रोग, किडनी, शुगर, हार्ट सहित अन्य समस्या का लेके एम्बाइवा जो अरविंदो अस्पताल है इंदौर के वहाँ जो है यह परेशानी लेके कोरोना के जो है जिनकर कोरोना के ठीक हो चुकी है बीमारी वो पहुँच रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जो है 30% लोगन में जो है पोस्ट कोविड जो है दिक्कत जो है देखने को मिल रही है और 43% का थकान, कमजोरी और नींद में गड़बड़ी हो के परेशानी है। एम्बाई और जो अरविंदो में पोस्ट कोविड OPD जो है उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। अपना पत्र को बताया दी कि डॉक्टर राजदीप गुलेरिया एम्स के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा यह बात बेहद पहले कही गई रही कि अब जरूरत है पोस्ट कोविड क्लिनिक के जहां कोरोना मरीजन के जो है शरीर में का दुष्प्रभाव पड़ रहा है वह दुष्प्रभाव की अब जाँच करे की बेहद बड़ी आवश्यकता है। काहे कि देश में अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना से लड़ाई के बारे में सोचा जा रहा कि कोरोना कैसे के ठीक हो जाए। कोरोना तो ठीक हो गया किंतु ओकर शरीर में कितना बेहद दुष्प्रभाव पड़ रहा है एकर अब जांच करे खातिर जो है मध्य प्रदेश में इंदौर में MYO अरविंदो अस्पताल के एक साझा उपक्रम चल रहा है जौने में लगभग जो है 2987 लोगन के जो है जांच सामने आई है। जौने में अपना पचन को बताया दी कि 600 मरीजन के नींद ना आवे के समस्या बताई गई ही और संक्रमण के पहले ऐसा कोनो दिक्कत नहीं रही। अब जो है सबका थकान और कमजोरी लगी फेफड़ा जो है मजबूत हो गए मतलब सख्त हो गए हैं। 300 मरीजन के लंग्स में फाइब्रोसिस देखी गई ही जेके कारण इनका अब नियमित अस्पताल जाए का पड़ लग है। रक्त प्रवाह जो है थमी गया है। 5 मरीजन के हाथ पैर में खून के प्रवाह रुके से थ्रोम्बोजियम फेनोमिना इनका हो गया है और हाथ पैर तक इनकर कांटे का पड़ी रहा है। अपना पचन को बताया दी कि 47 मरीजन के पहले से जो है हार्ट के परेशानी रही अब उनका घर में जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। BP और शुगर वाले जो मरीज है तो 53 जो गर्भवती महिला रही उम्र 13 का 3 माह बाद जो है BP शुगर के समस्या ही। सीना में दर्द की शिकायत 29 मरीजन का संक्रमण के बाद जो है सीना में दर्द के शिकायत हो गई है। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा विषय अब यह है कि जेकर कोरोना ठीक हो गया है उका पहले जैसा स्वस्थ है या नहीं, अब यह बात बेहद बड़ा जांच के विषय ही। और यह कोरोना एक वैश्विक महामारी आई, यह वैश्विक स्तर पर बेहद बड़ी तबाही मचाई से अर्थव्यवस्था से लेके लोगन के स्वास्थ्य व्यवस्था तक जो है पूरी चौपट कर दी सी। किंतु अब सवाल यह है कि यदि जान है तो जहान है, जिंदगी का आगे सुरक्षित रखे खातिर निरंतर जो है यदि अपना या अपना के परिवार में को कोरोना से संक्रमित भाव हो तो उनका नियमित डॉक्टर के सलाह में रखा जाए। और अब सरकारन का कहन कहो पोस्ट कोविड क्लिनिक खोल के ऐसा मरीज जो कहन कहो कोरोना होए के बाद समस्या और परेशानी के सामना कर रहे हैं उनके खातिर एक बेहतरी खातिर इलाज के सुविधा जो है मुहैया करावा जाए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।